इंसान चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो, जब माँ का साया सर से उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। जब माँ का निधन हो जाता है तो हर बच्चे के लिए वो पल बेहद मुश्किल होता है, और फिलहाल इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं निखिल नंदा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा की सासू मां ऋतु नंदा का निधन हो गया बीते मंगलवार, और आज उनकी अस्थियां हरिद्वार स्थित गंगा घाट में विसर्जित की गईं, जिनकी तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। बता दें आपको, ऋतु नंदा की अस्थियां विसर्जित करने के लिए नव्या नवेली नंदा, अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा और यहाँ निखिल नंदा तीर्थ नगरी हरिद्वार पहुंचे, और इस दौरान निखिल नंदा काफी ज्यादा भावुक हो गए। बता दे आपको, निखिल नंदा अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, और ऐसे में आज जब माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए सर से उठ गया है तो निखिल के लिए अपने आप को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा मायूस निखिल नंदा हो रखे हैं। बता दे आपको, हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। अभिषेक बच्चन इस दौरान इस पूरे परिवार का सहारा बने हुए नजर आए। ये सभी सदस्य आज सुबह करीब 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचे, जहां से वीआईपी घाट के लिए रवाना भी हुए। पूरे विधि विधान के साथ निखिल नंदा ने गंगा में अपनी मां की अस्थियों को विसर्जित किया, और इस दौरान अपनी मां को याद करके भावुक हो गए। पिता को भावुक देखकर दादी के निधन की बात सोचकर नव्या नवेली नंदा का दर्द भी छलक उठा। इन तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।